तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें एक शीट दे रखी है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो पूछ रहा है कि कुछ डिस्टेंस आर पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, देखिए ये शीट है, तो मैं थोड़ा सा इसको 3D में जनरेट कर दूँ, 3D में बना देता हूँ मैं इसको। तो इस शीट का एरिया मान लीजिए ए है, तो इसके लिए मैंने गॉसियन सरफेस ली है, एक सिलेंडर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इस साइड भी होगी और इस साइड भी होगी, E1 और E2। और जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो परपेंडिकुलर होगी एरिया वेक्टर के, तो यहाँ से मैं नहीं लूँगा, तो ज़ीरो होगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो अगर मैं फ्लक्स निकालूँ, टोटल फ्लक्स निकालूँ इसका, टोटल फ्लक्स ई डॉट डी एस E1, और ये डी एस E1 डॉट डी एस प्लस E2 डॉट डी एस, E2 डॉट डी एस, देखो किसके बराबर होगा, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। देखिए अभी तक मुझे पता नहीं है कि क्यू की वैल्यू कितनी है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ ये दे रखा है कि सिग्मा इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एरिया ए है इसका। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों साइड सेम ही होगी, तो इसको मैं 2E dS कर देता हूँ। देखिए जब dS करेंगे इसका इंटीग्रेशन, आपके पास कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि एरिया तो इसका इतना ही है, नॉन कंडक्टिंग शीट का, एरिया हमारे पास a ही है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 2EA³ बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मेरे पास इतना आ गया है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टू, मैं जानता हूँ चार्ज पर यूनिट एरिया मेरे पास क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको मैं किस में लिख सकता हूँ, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अब इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन, आपको दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी हैं और एक के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरे के ऊपर टू सिग्मा है। तो पूछ रहा है इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर इनके बीच में डिस्टेंस आर है, के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो पूछ रहा है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जिनको आता है वो प्लीज़ ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कनेक्टिंग शीट इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा, तो क्योंकि ये हमारे पास डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ई सिग्मा की वजह से मेरे पास कितना होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। और टू सिग्मा वाई की टू सिग्मा की वजह से कितना होगा मेरे पास, टू सिग्मा की वजह से होगा टू सिग्मा बाय टू टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ऐसे होगा और इसकी वजह से ऐसे होगा, तो दोनों मैं माइनस कर दूंगा। देखिए ये मेरे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, वो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट मेरे पास इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट द सेंटर, अगर मैं बात करूँ तो किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए वैसे तो, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है।